बिना बैंक गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको इतना आसान तरीका बताने वाला हूँ। सिर्फ एक SMS भेजकर अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। बिना बैंक गए बैलेंस चेक कर सकते हैं, बिना बैंक गए सब कुछ अपना सारा काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपना मोबाइल नंबर लिंक कर चुका हूँ, रजिस्टर कर चुका हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैं अपना बैलेंस चेक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं कॉल लगा देता हूँ। अब देखिए कॉल लगने के कुछ ही सेकंड में कॉल कट जाएगी और यहाँ पर देखिए मैसेज आ गया, मतलब 2 सेकंड के अंदर आ गया कि आपके खाते में कितने पैसे हैं। तो ये जो फायदा है इसका बेनिफिट है, यानी कि आप अपना रजिस्टर कर लेंगे मोबाइल नंबर तो बैंक का बैलेंस चेक कर पाएंगे, सारा काम कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि किसी भी बैंक का बैलेंस घर बैठे कैसे ऑनलाइन चेक करेंगे मिस कॉल से। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको SBI का नंबर कैसे लिंक करना है, ठीक है। ये आपको मैं बताने वाला हूँ कि नंबर आपको कैसे लिंक करना है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रजिस्टर, उसके बाद किसी भी बैंक का बैलेंस कैसे चेक करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को दबा के यहाँ पे ऑल जरूर प्रेस करिएगा। वीडियो को यहाँ से शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, और यहाँ पे कमेंट में आपको कमेंट करना है कि आपका किस बैंक में खाता है, आप कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों यदि आप किसी और बैंक में आपका खाता है मोबाइल नंबर रजिस्टर करना चाहते हैं तो यहाँ बैंक का नाम लिखकर मुझे बताइएगा। इतना सारा काम करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे SMS अपना ओपन कर लेना है और यहाँ पे एक नंबर पे SMS करना है। नंबर है 7208933148। आपको इस पे मैसेज लिखना है, मैसेज में आपको लिखना है REG कैपिटल लेटर में स्पेस, उसके बाद आपको अपना खाता नंबर लिख देना है। आपको खाता नंबर इस तरीके से लिख कर आपको यहाँ से सेंड कर देना इस नंबर पे 7208931। इतना जैसे ही आप सेंड करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज यहाँ पे आएगा। अभी कुछ ही सेकंड में यहाँ पे एक मैसेज आएगा, देखिए दोस्तों यहाँ मैसेज आ चुका है। तो यहाँ पर लिखा डियर कस्टमर योर मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर दिस सर्विस फॉर इतना अकाउंट नंबर, यानी कि आपका मोबाइल नंबर पहले से ही रजिस्टर्ड है, यानी कि मैंने रजिस्टर किया है तभी बैलेंस वहाँ पर चेक करके आपको दिखाया था शुरुआत में। अगर आपका रजिस्टर नहीं है तो यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा। अब रही दोस्तों किसी भी बैंक का बैलेंस घर बैठे चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए गूगल ओपन कर लेना और यहाँ पे एक वेबसाइट का नाम सर्च करना है टेक्नो राशि बैंक। जैसे ही आप लिखेंगे टेक्नो राशि बैंक तो यहाँ पे ऑल बैंक बैलेंस चेक ऑनलाइन, सभी बैंक का बैलेंस घर बैठे चेक कैसे करें पूरा डिटेल इसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आई होप वीडियो पसंद आई, लाइक करें शेयर करें, थैंक यू सो मच।